हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों संतुलन ज़िंदगी में कितना ज़रूरी होता है वो अभी वर्तमान स्थिति से आप जान सकते हैं और हमारे वीडियो से भी, आज के वीडियो से भी जान सकते हैं। दोस्तों हम कोई भी टारगेट बनाते हैं तो टारगेट कभी कभी हम ज़िंदगी के एक ही फील्ड से बनाते हैं, मतलब पैसा ज़्यादा कमाना या मेरे को बहुत फिट रहना है या अपने बच्चों का अच्छी जगह एडमिशन कराना है, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। लेकिन ज़िंदगी में दोस्तों हम किसी एक क्षेत्र में कामयाब होके अपनी ज़िंदगी को बेहतर ढंग से नहीं जी सकते। हमको अगर दोस्तों ज़िंदगी को बेहतरीन ढंग से जीना है तो अपने जो टारगेट हैं वो बैलेंस्ड होने चाहिए, गोल मस्ट बी बैलेंस्ड। हमारी ज़िंदगी एक पहिए की तरह है दोस्तों, जिसमें 6 तीलियाँ लगी होती हैं। हमारी ज़िंदगी एक पहिए की तरह है जिसमें 6 तीलियाँ लगी होती हैं। दोस्तों इसकी पहले तीले का नाम होता है परिवार। अगर लक्ष्य आप बनाते हैं तो आपको अपनी फैमिली को उसमें ज़रूर वो लक्ष्य ऐसा होना चाहिए कि आपको फैमिली, आपकी फैमिली को पहले से बेहतर स्थिति में पहुंचा सके। ऐसा लक्ष्य नहीं होना चाहिए कि वो लक्ष्य अचीव करने के बाद आपकी फैमिली अनकंफर्टेबल महसूस करे। हमारे प्रियजन ही हमारे जीने और जीविका कमाने का मकसद होते हैं दोस्तों। एक बाप होता है वो कड़ी मेहनत करता है और एक माँ होती है वो कड़ी मेहनत करती है, एक भाई होता है वो कड़ी मेहनत करता है, एक चाचा होते हैं वो कड़ी मेहनत करते हैं, एक दादा होते हैं वो कड़ी मेहनत करते हैं। उनके कड़ी मेहनत के पीछे अधिकतर 10 में से 8 बार यही कारण होता है कि उनका परिवार जो है बेहतर ढंग से जिए। दोस्तों लक्ष्य संतुलित होना चाहिए, आज हम बता रहे हैं, और आपको किसी भी लक्ष्य को बनाने में सबसे पहले अपनी फैमिली का ध्यान देना है। दूसरा दोस्तों, जो 6 तीलियाँ आपने बताया कि हमारी ज़िंदगी की 6 तीलियाँ, एक पहिया होती है उसकी 6 तीलियाँ, उसमें होता है पहला है फैमिली और दूसरा है फाइनेंशियल। पहला लक्ष्य आपको बनाना चाहिए अपनी फैमिली को देख के, दूसरा होता है आर्थिक। हमारा आर्थिक फाइनेंशियल में वो चीज़ें आती हैं हमारा कैरियर और वे चीज़ें जिन्हें पैसों से ख़रीदा जा सकता है। फाइनेंशियल का मतलब हमारा कैरियर और वो चीज़ें जिन्हें पैसे से ख़रीदा जा सकता है। तीसरा होता है शारीरिक, फिजिकल, हमारी सेहत, जिसके बगैर किसी चीज़ का कोई मायने नहीं रखता। पहला फैमिली, दूसरा फाइनेंशियल और तीसरा फिजिकल। दोस्तों हमारे पास फैमिली भी है, पैसा भी है, परिवार में अच्छे अच्छे पत्नी हैं, बेटे हैं, माता हैं, पिता हैं, लेकिन अगर हमारा स्वास्थ्य सही नहीं है दोस्तों, हमारी फिजिकल स्थिति सही नहीं है, तो सब कुछ होते हुए भी हम किसी काम के नहीं रहेंगे दोस्तों, क्योंकि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। दोस्तों 3 चीज़ें भी मैंने बताई, फैमिली, फाइनेंस और फिजिकल। और दोस्तों कोई भी लक्ष्य बनाते वक्त चौथी जो तीली है वो देखनी चाहिए, मेंटल। हमारा ज्ञान और हमारी बुद्धि क्या है उसी हिसाब से हमको लक्ष्य बनाने चाहिए, जिससे उस लक्ष्य को पाने के बाद हमको सुकून मिले, हमको मानसिक शांति मिले। और 5वां दोस्तों, कोई भी लक्ष्य आप बनाते हैं तो ये ध्यान देना है सामाजिक। ये ज़िंदगी की 6 तीलियाँ बता रहे हैं कि अगर ये 6 तीलियाँ अगर आप बैलेंस करके चलेंगे तो आपकी ज़िंदगी जो कही जाती है सपनों वाली, राजाओं की तरह ज़िंदगी। सामाजिक, हर व्यक्ति और संगठन की कुछ सामाजिक जिम्मेदारी होती है दोस्तों, जिसको ना पूरा किए जाने पर समाज टूटने लगता है। तो आपको, आपकी क्या जिम्मेदारी है आप ही जान सकते हैं, मेरी क्या जिम्मेदारी है मैं जान सकता हूँ। तो जो भी आपकी जिम्मेदारी है आप उसको पूरा कीजिए, नहीं तो आपका परिवार अथवा समाज टूट सकता है। और जो 6वां कारण है दोस्तों, स्पिरिचुअल अध्यात्म। अगर आप ज़िंदगी को बैलेंस करना चाहते हैं तो आपके जीवन में नैतिकता और चरित्र ये अगर है तो आपका जीवन मूल्य आप लोग समझेंगे। नैतिकता और चरित्र के ऊपर ही आप, ये दोनों चीज़ें आपके अंदर कितनी हैं आपकी रिस्पेक्ट लोग करते हैं।
तो दोस्तों ये जो छह तीलियां मैंने आपको बताई, पारिवारिक, आर्थिक, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक, इन छह तीलियों से दोस्तों जीवन बनता है। इनमें से कोई भी तीली अपनी जगह से खिसक जाए तो हमारे जीवन का संतुलन डगमगा जाता है। दोस्तों थोड़ा समय निकाल कर सोचिए, अगर इन छह में से कोई एक तीली ना रहे तो जीवन कैसा रहेगा। सोचिए दोस्तों, अगर परिवार ना रहे, सोचिए दोस्तों अगर आपके पास पैसा ना रहे, सोचिए दोस्तों आपका शारीरिक स्थिति खराब हो जाए, सोचिए दोस्तों आपका मानसिक स्थिति खराब हो जाए, सोचिए दोस्तों आपकी सामाजिक स्थिति खराब हो जाए, आपको समाज में लोग उल्टा सीधा बोलें, सोचिए दोस्तों कि आपको आपके भगवान आपसे नाराज हो जाएं, तो आपके साथ कैसा होगा। दोस्तों ये जो छह तीलियां हैं, मेरा छोटा चैनल है, अभी छोटा चैनल है तो इसका मतलब ये नहीं कि इस ये ज़िंदगी की जो छह तीलियां हैं इनकी वैल्यू भी छोटी हो जाएगी। दोस्तों ये छह तीलियां अगर आपकी ज़िंदगी में बैलेंस हैं तो मेरा पूरा विश्वास है, विश्वास कि आपको कभी भी कोई भी दिक्कत आपको अपनी ज़िंदगी में नहीं होने वाली है और आपकी ज़िंदगी वो खुशियों वाली ज़िंदगी, खुशियों से भरी रहेगी। और आपके बच्चे ऐसा कहेंगे मुझे ऐसे डैडी चाहिए, आपकी मम्मी ऐसा कहेंगे मुझे ऐसा बेटा चाहिए, आपके पापा ऐसे कहेंगे मेरा लाल करे कमाल। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को शेयर भी करिएगा। थैंक यू।